हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आशीष, आज निफ्टी बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं रोज़ आपको एक मल्टीबैगर स्टॉक देता हूं, तो आज भी बहुत ही बढ़िया कंपनी आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा हूँ। यहाँ पे निफ्टी में मैं आपको कल बताया था कि हमें एक डिप के लिए वेट करना है। देखिए, आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। यहाँ पे एक डिप लगाया और ये डिप लगाने के बाद मैं आपको कल बताया था, कल आप मेरा वीडियो भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैं बताया था कि हम लोगों को ये एरिए के आसपास यदि ओपन मिलता है, ओपन होता है निफ्टी और एक बार नीचे आता है, तो इसी के क्लोजिंग के आसपास, ये लेवल के आसपास हम लोगों को बाय करना है। मैं दो लेवल दिया था, एक ये लेवल और एक ये लेवल। यहाँ पे पूरा देखिए, टच करके ये एरिया में टच करके ऊपर की तरफ गया है। यहाँ से पे फिर से एक एरिया था जहाँ से ये एक फिर से एक बाइंग आया। ये देखिए, ये दो मेजर सपोर्ट एरिया था, ये एक सपोर्ट एरिया था। यहाँ से निफ्टी आके बाउंस किया, तो हम लोगों को हर डिप में बाय करना है। मैं आपको कल बताया था, देखिए आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जो लोग डिप में बाय किए हैं उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट आज मिला है। आज वैसा मतलब कुछ हेवी वोलाटाइल डे नहीं था, आराम से पूरा निफ्टी दिन भर एक सीमित दायरे में ट्रेड किया। यहाँ पे देखिए, एक कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए, कैंडल बनाया, फिर नीचे आके रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। ये होता है एक्चुअली सही तरीका निफ्टी में या फिर कोई भी स्टॉक्स में एंट्री लेने का। फ्रेश ट्रेड यदि रहता है तो आप लोग उनको, यदि एंट्री लेना है तो इस तरीके से यदि आप एंट्री लेते हो तो आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं इसको एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ। ये देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को ईजी रहेगा समझने में। देखिए, फर्स्ट कैंडल ओपन हुआ, फिर दूसरा कैंडल नीचे यहाँ पे डिप लगा के गया ऊपर। एक हैमर टाइप का कैंडल बना है, फिर दूसरा एक ग्रीन कैंडल। तो ये जब भी सेटअप ऐसा बनता है आप लोगों को वहाँ पे बाई साइड में ही, ऐसा यदि सेटअप बनता है तो बाई साइड में ही ट्रेड लेना है। आज बहुत ही बढ़िया दिन था, ट्रेंडिंग डे था। सेकेंड हाफ से 2 बजे से ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। उसके पहले एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेशन एरिया था। ये एक रेंज है, छोटा रेंज, दिन भर एक रेंज में ट्रेड किया, फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। मैं आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे डेली में बहुत ही बढ़िया सेटअप बना है, ये एक बुलिश टाइप का सेटअप बना है। देखिए, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, ये एरिया से कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। आप लोगों को हर डिप में बाय करना है, कल भी कोई भी डिप मिलता है तो आप लोग वहाँ पे बाय कर सकते हैं। एक है 17,740-50 के आसपास, यदि आपको कल भी मिलता है तो फिर से आप लोग बाय कर सकते हैं उस एरिया से। तो अभी मैं आपको इसका 60 मिनट एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, 60 मिनट टाइम फ्रेम, 60 मिनट में एक ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। देखिए, कंटिन्यू एक छोटे दायरे में ट्रेड किया, लास्ट कैंडल में ब्रेकआउट, फिर ऊपर गया। यहाँ से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि अभी निफ्टी में ट्रेंड अपसाइड में ही है। शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट में आप लोग ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नीचे जो एरिया है, ये एरिया के आसपास बहुत सारे बियर्स ट्रैप हुए हैं। तो अभी ये बियर लोगों का जो भी है माल कटाएगा, ऊपर स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाएगा, फिर जाके एक छोटा दायरे में ट्रेड करके नीचे आ सकता है या फिर इसी एरिया के आसपास घूम सकता है। तो आप लोगों को अभी कोई भी शॉर्ट साइड में, सेल साइड में ट्रेड मत लीजिए। हर डिप में बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। तो अभी मैं आपको एक बार इसका बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में भी स्टार्ट करेंगे पहले 60 मिनट से। देखिए, बैंक निफ्टी में भी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, निफ्टी आज बहुत ही स्ट्रांग था। देखिए, बैंक निफ्टी कंटिन्यू एक ये जो कैंडल फर्स्ट 60 मिनट का जो कैंडल बना है,
पूरा दिन भर उसी 60 मिनट के कैंडल के बॉडी के अंदर ट्रेड हुआ है। इसका मतलब पूरा कंप्लीट आज ये रेंज में ट्रेड किया, मूवमेंट या फिर ट्रेंडिंग डे आज नहीं था बैंक निफ्टी के लिए। मैं आपको बैंक निफ्टी का जो टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा करता हूँ, 15 मिनट देखते हैं। ये देखिए 15 मिनट में पूरा कंप्लीट एक रेंज में ट्रेड किया। इसका जो हाई लगाया था 36,887, देखिए उसी के आसपास ही है। पूरा एक कंप्लीट रेंज में ट्रेड किया है। यहाँ पे वही सेम कल का जो क्लोजिंग आया था, गैप अप हुआ ऊपर गया, फिर कल के क्लोजिंग के आसपास आके यहाँ से ही एक ऊपर की तरफ रन अप दिया। जैसे निफ्टी दिया, बैंक निफ्टी भी वैसा ही, पूरा बैंक निफ्टी और निफ्टी का बिहेवियर दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, पर निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था, निफ्टी इसलिए ज़्यादा ऊपर गया। बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस था, इसलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया। निफ्टी का जैसा पैटर्न बैंक निफ्टी में नहीं हुआ इंट्राडे में। मैं इसको एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ। ये देखिए 5 मिनट कैंडल है, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए पूरा कंप्लीट एक सीमित दायरे में ट्रेड किया। आहिस्ता आहिस्ता बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, मैं आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों स्ट्रांग है, हर डिप में बाय करने के लिए ट्राई कीजिए। ये देखिए ये जो डिप मिला, फिर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, कंटिन्यू ऊपर की गया, फिर एक नीचे आया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। यहाँ से आप लोगों को हर डिप में यदि बाई करते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले दिनों में मिल सकता है। कल के दिन भी एक डिप मिलता है तो हर डिप में बाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अभी मैं आपको इसका डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। ये देखिए डेली में एक बहुत मतलब करेक्शन चल रहा था काफ़ी दिनों से, 27 अक्टूबर से पूरा एक करेक्शन मोड में है। अभी ऐसा ऐसा ये ऊपर की तरफ जाने को ट्राई कर रहा है, ये में भी ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। देखिए एक बॉटम बना, फिर ये देखिए हायर बॉटम बना, फिर दूसरा एक उससे ऊपर का बॉटम बना के अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को जब तक ये टॉप नहीं तोड़ता है, 37,581 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है, तब तक आप लोगों को हर डिप में बाई करना है। अभी मैं आपको एक मल्टीबैगर स्टॉक देता हूँ, जैसे कि मैं रोज आपको एक मल्टीबैगर सजेस्ट करता हूँ, तो आज के लिए मल्टीबैगर स्टॉक है SAMKR GPI। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, 167 रुपये का प्राइस चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस आज का क्लोजिंग आया है 167, तो यहाँ से आप लोगों को बाय करना है, ये पोजिशनल कॉल रहेगा। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, यहाँ से ये बहुत ही अच्छा रनअप आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो ये है ऑटो एंसिलरी कंपनी, इंजन का पार्ट्स वगैरह बनाता है। सो ये यदि आपके पोर्टफोलियो में रहता है तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट ये दे सकता है। सो इसमें मैं आपको एक बार मंथली दिखा देता हूँ। ये देखिए मंथली में करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ऊपर किया है, फिर यहाँ पे करेक्शन हुआ, 4 महीने कंटिन्यू गिर रहा था। ये देखिए दिसंबर महीने में ग्रीन कैंडल बना है, और अभी जनवरी के स्टार्टिंग में ही आप लोग देखे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी सब में एक अच्छा खासा खरीदारी हो रहा है, तो उस हिसाब से इसमें भी पैसा शिफ्ट होगा, तो आप लोगों को इसमें भी बाय पोजीशन लेना है, आप लोगों को इसमें भी प्रॉफिट अच्छा खासा मिलेगा। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। जो लोग नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।